वहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव रविशंकर प्रसाद सिंह ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं बीसीए के सेक्रेटरी रविशंकर प्रसाद सिंह। रविशंकर जी, आपने स्टिंग देखा होगा, हमारे चैनल पर चल रहा है, साफ तौर पर उसमें दिखाया गया है जिसमें नीरज ये कह रहे हैं कि 35 लाख रुपया चाहिए रविशंकर जी को देने के लिए और उनको फ्लैट चाहिए और जो भी खर्च वो बताए हैं तकरीबन 1 करोड़ रुपए हो रहा है। बिहार के बाहर का लड़का आएगा और वो आराम से खेलेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नीरज जी ने कहा है कि 35 लाख रुपया सचिव ने मांगा है, ये नीरज जी कह रहे हैं। हो सकता है नीरज जी हमारा नाम लेकर के पैसे का डिमांड करते हों, इससे ये साबित नहीं होता है कि रविशंकर जी ने पैसा लिया। हो सकता है कि वो लिए हों पैसा, इसकी जांच करेंगे हम लोग, छानबीन करेंगे, उनको तत्काल प्रभाव से तो हम लोग निलंबित ही कर देते हैं अभी, और आगे की कार्रवाई कमेटी की मीटिंग बुला करके हम लोग ऊपर कार्रवाई करेंगे, FIR भी करेंगे उनके ऊपर कि उन्होंने बिहार की छवि को ख़राब करने का काम किया है, जो कि बड़ा ही शर्मनाक है। बिहार को पहली बार मौका मिला और इस तरह की घटनाएँ सुनने देखने को मिल रही है आप लोगों के चैनल के माध्यम से, इसलिए मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने उजागर किया। जबकि बिहार के खेल मंत्री के ऋषि ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। लेने देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर 75 लाख दीजिएगा तो आपको क्रिकेट में बेहतर खेलने का मौका मिलेगा और इस तरह के कई बातें सामने आई है। इसके बाद राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, हम तो पहले चाहूँगा कि मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हम तो अभी टीवी पर देखे नहीं, आपसे जानकारी मिल रही है कि पैसे लेकर के खिलाड़ियों को यहां से एंट्री की जाती है, मेरे संज्ञान में आ गया है। और अगर इस तरह का बात आती है तो हम तो पहले कहेंगे कि जो भारत अथी में बैठे हुए हैं BCCI की जो टीम है वह निश्चित रूप से यहाँ की जो टीम पर वह अविलंब कार्रवाई करे कि वह उन्हीं की यहाँ टीम है और BCCI का जो भी यहाँ अधिकारी है वह BCCI के चेयरमैन और CEO के अंडर रहता है, वो सरकार के अंडर नहीं रहता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि BCCI के जो चेयरमैन है, CEO जो है, आप उस निश्चित रूप से जांच करावे और ऐसे अधिकारियों पर वह कार्रवाई करें। लेकिन बिहार के लड़कों के साथ ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से बिहार सरकार इस पर अपने स्तर से भी जाँच करेगी।